आज शाम में तकरीबन 4 से 5 के दरमियान मौसम नदी में स्विल के पीछे कुछ लड़के तैरने का शौक तैराकी कर रहे थे और उसमें से एक लड़का बह गया। उस लड़के का नाम था मुख्तार अहमद, उम्र उसकी 18 से 20 साल है और वो नहाते नहाते बीच में पानी के फ्लो में आकर बह गया। उसका फ़ोन, उसके अहले खाना के लोगों का फ़ोन फायर ब्रिगेड में आया। हम लोग ने वहाँ जाकर देखने की कोशिश की लेकिन पानी का इतना फ्लो था, अगर वो बच्चा डूबा है तो पानी का फ्लो इतना ख़तरनाक है, वो आगे जाकर गिरना नदी और मौसम नदी का जहाँ संगम होता है, अगर बॉडी उसके आगे चली गई तो तकरीबन बॉडी बहुत मुश्किल से उसको 1 से 2 दिन लगेगा डिकम्पोज होने को और 1-2 दिन बाद ही बॉडी ऊपर आएगी और उसे कम से कम सोनगांव मालदा उसकी अतराफ में ढूंढा जाएगा। मालेगांव शहर को और सरपरस्तों को हमेशा हमने बाइक दिया और कहा है कि शहरियान अपने बच्चों पर ध्यान दे, लेकिन कहीं ना कहीं सरपरस्त अपने बच्चों पर ध्यान देने में नाकाबिल है, बच्चों पर ध्यान नहीं देते। आज ये बच्चे, इतना ज़बरदस्त पानी है, सैलाबी कैफियत है गिरना नदी और मौसम नदी में, और वो बच्चे मौसम नदी में नहा रहे थे और नहाते नहाते डूबकर पानी में डूबकर हादसे का शिकार हो गए। अभी उसके अहले खाना आकर यहाँ हमसे फायर ब्रिगेड में कह रहे हैं कि उसको तलाश करो। हमने उनको सर्च ऑपरेशन किया और मालदा और इधर उधर तक का फ़ोन कॉल करके हमने बता दिया कि एक बच्चा ऐसा पानी में डूबा है, अगर किसको नज़र आया पुलिस पाटिल और इनको गांव वालों को मैसेज दे दिया है। लेकिन मेरा ये बोलने का मतलब है, बार बार हम शहरियान को मैसेज देते हैं लेकिन शहर कहीं जागने को तैयार नहीं, वालदैन अपने बच्चों पर ध्यान देने को तैयार नहीं। आज एक बच्चा इतना ज़बरदस्त सैलाबी कैफियत है मौसम नदी में, नहाने की कोशिश करा और डूब के हादसे का शिकार हो गया। तो मालेगांव शहर में सरपरस्तों की पकड़ बच्चों पे कम है, कहीं ना कहीं मालेगांव शहर में कानून पुलिस डिपार्टमेंट से हमने अपील की है, कमिश्नर साहब से भी कहा है कि जो स्विमिंग करते हैं, जो स्टन करते हैं, उन पर कहीं ना कहीं कार्रवाई कर उनको कम से कम 1-2 दिन की पुलिस कस्टडी दी जाए। कल के रोज़ एक यहाँ से शराब पिया हुआ शख्स पवार नामी एक शख्स सांडवे पुल से उड़ी मार कर बीच में फंस गया, उसे हमने रेस्क्यू कर रस्सी की मदद से जिंदा निकाला और उसे निकाला तो वो भी यही हरकत कर रहा था, तो छावनी पुलिस स्टेशन में हमने जमा किया। तो एसपी साहब से हमारी बात हुई, एसपी साहब ने यही कहा कि अगर आप कोई स्टंट करता हुआ और नहाता हुआ दिखाई दिया, अगर हमारी गाड़ी पेट्रोलिंग पर रही तो उसे जमा कर पुलिस स्टेशन में दिया जाएगा और उनका पुलिस डिपार्टमेंट भी पूरे पेट्रोलिंग पर रहेगा और नहाने वाले पर कार्रवाई की जाएंगी। कि तकरीबन पानी बढ़ते ही जा रहा है, अभी आपने देखा होगा सांडवा पुल के ऊपर भी पानी आ गया है, मतलब पानी ज़्यादा पानी है, सांडवा पुल के ऊपर से पानी आ गया, पानी की स्पीड अभी बढ़ते ही जा रही है, पानी बढ़ रहा है समझ लो। अभी कॉरपोरेशन की तरफ से माननीय कमिश्नर साहब और पवार साहब के आदेश से फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो बस्ती में रहने वाले हैं जैसे किला झोपड़पट्टी और श्री रामनगर के लोगों, उनको निकाल कर किनारे करा गया और बस्ती के लोगों को हटाकर और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पेट्रोलिंग कर लोगों को हटा रही है। लेकिन हमारे शहर में आपने देखा होगा जब भी पानी आता है तो हमारे सरपरस्त खुद उनके अहले खाना को लेकर बीवी बच्चों को लेकर पानी देखने आते हैं और हादसे का शिकार हो जाता है, उसमें प्रशासन परेशान रहता है। तो कहीं ना कहीं बच्चों को, सरपरस्तों को ध्यान देना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी है बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। अभी सांडवा पुल पर हमारा बंदोबस्त है, आप देख सकते हैं कि सांडवा पुल के ऊपर से भी पानी अब ऊपर से जा रहा है, मतलब पानी धीरे धीरे बढ़ ही रहा है।